हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। G7 समिट का आयोजन इस वर्ष यहां पर इटली कर रहा है और इसकी अध्यक्षता या मेजबानी कहें तो जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर चर्चा का विषय इसमें भारत है। क्या भारत G7 का यहां पर हिस्सा बन सकता है? भारत देखा जाए लगातार वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंध जो है पहले से मजबूत हुए हैं, वैश्विक स्थिति उसकी मजबूत हुई है, उसकी साख बेहतर हुई है। G7 समिट में देखा जाए तो 7 ऐसे देशों को यहाँ पर, जो कि अपने आप में एक विकसित अर्थव्यवस्था है, उनको इसमें कह सकते हैं कि मिल करके देश विदेश के यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उस पर रणनीतियाँ बनाते हैं। लेकिन भारत जो कि इसका मेंबर नहीं है, उसे लगातार देखा जाए तो इसमें बुलाया जाता है, इसकी बैठकों में बुलाया जाता है और उसकी बातों को यहाँ पर सुना जाता है। क्या भारत यहां पर अगला G7 का सदस्य बन सकता है और इसके पीछे यहां पे क्या तर्क हो सकते हैं? भारत क्या स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है, ये यहां पर कुछ इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। भारत जो कि इस G7 समिट का यहां पर देखा जाए मेंबर नहीं है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में जो सेंटर में यहां पर आपको एक इमेज दिखाई देती है वो भारत के प्रधानमंत्री की है। आइए यहां पर इस मुद्दे को थोड़ा सा विश्लेषण करके समझते हैं, G7 और उससे संबंधित भारत के मुद्दों को। देखा जाए तो सबसे अमीर देशों के इस क्लब में क्या भारत शामिल हो सकता है, इसको लेकर के अगर हम देखें तो भारत 11 बार इस समिट में यहां पर शामिल हो चुका है। ये 11वीं बार है जो यहां पर भारत इसमें शामिल हो रहा है और पिछले 5 साल से वो लगातार भारत को एक गेस्ट के तौर पर इसमें इनवाइट करते हैं, जिससे लगता है कि कई बार भारत इसका एक परमानेंट मेंबर ही है, क्योंकि उसे लगातार इस तरीके से बुलाया जाता है। एक ऐसी रोचक घटना भी है जिसमें दिखाई देता है कि भारत का प्रभाव G7 समिट में कितना है। ये बात यहां पर तक की है जब जर्मनी यहां पर इसकी अध्यक्षता कर रहा था और उस समय यहां पर प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए हम यहां पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भारत 11 बार कब कब कौन कौन से प्रधानमंत्री और कितनी बार इस समिट में यहां पर शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, जो पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री G7 समिट में यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं वह भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। G7 की समिट जो 2003 में फ्रांस में हुई थी, उसे पहली बार भारत यहां पर शामिल हुआ था। इसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, जो भारत के कह सकते हैं 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 के समय जब भारतीय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, तब वो भी यहाँ पर इस समिट में शामिल हुए, जिसमें ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान और इटली में यहाँ पर देखा जाए तो G7 समिट का अलग अलग समय पर आयोजन हुआ। उसके बाद देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, 2019 से लगातार उन्हें इस समिट में यहाँ पर बुलाया जा रहा है। 2019 में फ्रांस में, 2021 में ब्रिटेन में, 2022 में जर्मनी में, 2023 में जापान में और 2024 में इटली में वो यहाँ पर लगातार G7 समिट में शामिल हुए। बीच में कोविड-19 के कार्यकाल में 2020 में कोरोना के कारण मोदी G7 के समिट के वर्चुअल बैठक में यहाँ पर उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से 11 बार अब तक यहाँ पर उपस्थिति भारत ने दर्ज कराई है। अब यहाँ पर उस घटना की बात करते हैं जब भारत के प्रभाव को पहली बार यहाँ पर देखा जाए। जैसे हम बात करें 2007 की बात है, G7 समिट जो होते जर्मनी में यहाँ पर आयोजित की गई थी और जर्मनी की जो तत्कालीन चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्होंने सभी देशों के यहाँ पर इनवाइट किया था। लेकिन जो एक होता है, सभी को एक बोलने का एक समय दिया जाता है G7 समिट में, वो समय यहाँ पर काफ़ी कम दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने यहाँ पर जाने से मना कर दिया कि या तो हमें आप समय दीजिए बोलने का या तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे। जिसके पश्चात यहाँ पर देखा जाए तो समय जो है ज़्यादा अलॉट किया गया था और भारत यहाँ पे न जाने की धमकी के कारण और उसमें न शामिल होने के कारण तो यहाँ पे जर्मनी, भारत के मेहमान देशों को उसने समय बढ़ाना पड़ा, जो दिखाता है कि भारत का प्रभाव देखा जाए जी समिट में किस तरीके से G7 समिट में बढ़ा। इसके बाद आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं क्या भारत यहाँ पर G7 का यहाँ पर हिस्सा बन सकता है, इसके पीछे यहाँ पर क्या तर्क दिए जाते हैं। तो G7 में बार बार बुलाया जाना, तो सबसे पहले यही वजह है कि अगर आपको, आप परमानेंट मेंबर नहीं है, उसके बावजूद अगर आपको बार बार बुलाया जाते, दैट मीन कि आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं वर्ल्ड लीडर के संदर्भ में, वैश्विक स्तर की रणनीतियों के निर्धारण में, और एक तरीके से आपका बढ़ता हुआ प्रभाव जो है, जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। इसके अलावा UNSC में भी देखा है अपना प्रभाव यहाँ पर लगातार जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वो अपना प्रभाव खो रही है क्योंकि भारत भी वहाँ पर उसका सदस्य नहीं है। लगातार उनकी जो कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर आपको उतनी बेहतर नहीं रही है, लगातार उसमें बदलाव की बात की जाती रही है। इसके अलावा अमेरिका जो है, रूस और चीन के साथ, दोनों के साथ उसके संबंध यहाँ पर बेहतर नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं
यूनेस्टी जो है मजबूत फैसले यहाँ पर नहीं ले पा रही है। अमेरिका जैसे दो देश हैं वो भारत को यहाँ पर, यूरोप जो है अपने देश में जो है ये भारत को अपने पक्ष में यहाँ पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक मुद्दा यहाँ पर आप उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं, उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया पर बार बार देखा जाए तो नियमों का उल्लंघन उत्तर कोरिया करता है और मिसाइलों का वो लगातार परीक्षण भी करता है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो यूनेस्टी यहाँ पर उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध अगर कोई लगाना भी चाहें तो रूस और चीन जैसे जो देश हैं वो उस पर वीटो का इस्तेमाल करके उसे रोक सकते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पूरी तरीके से आपको समस्याप्रद बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे जो देश हैं, या भारत का हम बात करें तो भारत यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है इस G7 समिट के लिए। 1980 के दशक से अगर हम देखें तो G7 देशों की जो GDP है वो दुनिया की कुल GDP के करीब 60% थी, या घटकर करीब यहां पर अब 40% रह गई है, क्योंकि भारत जैसे देश हैं, ब्राजील है, चाइना है, इनकी GDP लगातार ग्रोथ हुई है। G7 के प्रभावशाली देशों के अलावा भविष्य में इसके प्रभाव और भी कम होने की संभावना है, क्योंकि भारत, चाइना जैसे जो देश हैं आगे चलकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन जाएंगी। भारत अगर G7 के यहाँ पर नया सदस्य बन जाता है तो यहाँ पर इससे G7 की प्रभावशीलता यहाँ पर बढ़ती है। अगर हम देखें तो इसकी कई वजह भी हो सकती है कि भारत G7 का सदस्य कैसे बन सकता है, तो इसकी तीन वजह देखें। पहला, रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर, यानी कि लगातार डिफेंस पर अच्छा खासा भारत खर्च कर रहा है। दूसरा, भारत की जो GDP है ब्रिटेन के बराबर है और फ्रांस, इटली और कनाडा से यहाँ पर ज़्यादा भारत की GDP है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसलिए G7 हर साल हर कीमत पर एक तरीके से भारत को आमंत्रित करता है, हर साल आमंत्रित करता है, और दुनिया के हर बड़े मुद्दे में यहाँ पर भारत के साथ इस समय डिस्कस किए जाते हैं और भारत की राय ली जाती है और उसके पश्चात यहाँ पर किसी तरीके के मुद्दों को वो डिसाइड किया जाता है। ज़रूरी देखा जाए G7 का परमानेंट मेंबर न होने के कारण किसी तरीके के एक सोल्यूशन यहाँ पर आया, फिर किसी तरह पैक्ट साइन कराना है, उसमें फाइनली यहाँ पर एक मुहर लगाना, वो यहाँ पर भारत के हिस्से में अभी तक नहीं है जब तक वो इसका यहाँ पर सदस्य नहीं बन जाता। लेकिन हाँ, राय मशवरा करना, उस पर यहाँ पर अपनी बातें रखना, वो कहीं ना कहीं भारत के प्रभुत्व को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।